अब हम उस ओर चल रहे हैं। तीन बार लोकसभा के सदस्य रह चुके, हमारे बीच उपस्थित हैं भ्राता सुरेश चंदेल जी। आप वर्तमान में भी एक्स एमपी होने के साथ साथ मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हैं, और आपने केवल इतना ही नहीं किया, लोकप्रिय होने के साथ साथ प्रभुप्रिय होने का भी गौरव प्राप्त किया और लोकसभा के साथ परमात्म सभा की टिकट लेने के हकदार बन रहे हैं। आपके बीच आ रहे हैं भ्राता सुरेश चंदेल जी। मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और इस पंडाल में बैठे हुए सभी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए श्रद्धा के भाव से भरे हुए भाई और बहनों, मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के लिए एक ऐसे समसामयिक विषय को चुना जिसकी हर व्यक्ति को आज तलाश है, जरूरत है। और न जाने आदमी कहां कहां प्रयत्न करके इन विषयों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। मैं समझता हूं कि सदियों से मनुष्य इस खोज में रहा है कि उसे शांति मिले, उसे खुशी मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। लेकिन शायद हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जितनी देर से ये खोज हो रही है, जितनी देर से आदमी इसमें भटक रहा है और अनेकों जगह जा करके इसके लिए प्रयत्नशील होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना प्रयत्न किए जा रहे हैं समस्याएं उससे और ज्यादा विकराल रूप धारण कर रही है। आज कोई भी व्यक्ति मिलता है, किसी से भी हम इंटरेक्ट करते हैं, वो परेशानी में, कोई ना कोई समस्या से घिरा हुआ। और स्वास्थ्य की यदि चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि मैं भारतवर्ष की चर्चा करूं तो ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे इस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि एक बीमार भारत हम अपने सामने उसके दर्शन कर रहे हैं। और ऐसा जो वातावरण निर्मित हुआ है, ऐसे में इसलिए हो रहा है कि जो प्रयत्न हो रहे हैं वो ठीक ढंग से नहीं हो रहे। ठीक ढंग से प्रयत्न होते तो यह स्थिति नहीं होती कि प्रयत्न करने के बाद परिणाम उस मात्रा में हमें उनके दर्शन ना होते। और इसीलिए मैं ये महसूस करता हूं, क्योंकि ये समस्याएं जिनका इलाज बाहर खोजा गया, ये विषय भीतर के विषय थे, और यदि इनका इलाज भीतर से होता तो उसके सार्थक परिणाम आते। और इसीलिए मैं ये महसूस करता हूं कि हमारे यहां ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने इन विषयों को और इनके इलाज के लिए कहां से इसका इलाज होना है, उन विषयों को अपने पाठ्यक्रम का विषय बनाया और उसके माध्यम से यहां उस चीज के दर्शन जरूर होते हैं और लोग इन तीनों विषयों को प्राप्त करते हैं। ये मैं इसलिए कह सकता हूं, हम सब लोग यहां आए हैं, हम लोग यहां कई बार आने का मौका मिला, हम यहां घूमते हुए देखते हैं कि यहां काम करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता मिलती है, उसमें गतिशीलता होती है, उसके 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 जीव उसके व्यवहार से जो उत्साह के दर्शन होते हैं वो इस बात का सबूत है कि यहां प्रत्यक्ष में वो चीजें मनुष्य को मिलती हैं जिनकी मनुष्य को बाहर दरकार है। और इसीलिए ये इसलिए आवश्यक हुआ कि यहां पर उस विषय को एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है और उसके माध्यम से अनेकों यहां उसके स्वरूप के दर्शन होते हैं।
मुझे भी कई बार यहाँ आने का अवसर मिला और जब मैंने यहाँ देखा पहली बार तो मुझे लगा कि जैसे मैं गेट के अंदर आया मुझे लगा एक अलग तरह का वातावरण, एक अलग तरह का अनुभव अनुभूति मुझे हुई और मुझे लगा कि कुछ अलग सी जगह है जिसका मैंने अनुभूति की। और इस बात की भी अनुभूति हुई, शायद भगवान की अनुभूति हम सब नहीं कर सकते लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद इस बात की अनुभूति भी होती है कि भगवान यहाँ पर विद्यमान है और भगवान के जो गुण हैं उनके दिग्दर्शन यहाँ अंदर आकर के ज़रूर होते हैं, ये हमने महसूस किया है। आप सब भी यहाँ आए हैं, आप सब ने भी महसूस किया होगा। और हम देश भर में अनेकों स्थानों पर जाते हैं, बहुत स्थानों पर जाने का अवसर हमको मिला है लेकिन जो अनुभूति मिलती है वो अनुभूति अनेकों बार आने के बाद भी वो अनुभूति में बढ़ाव होता है, घटाव नहीं होता। कई जगह हमारे बाहर जाने के बाद पहली अनुभूति अच्छी होती है, बाद में अनुभूति अच्छी नहीं होती लेकिन यहाँ आने पर वो अनुभूति और गहराती जाती है और अच्छी लगती जाती है। और इसीलिए मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर ईश्वर के जरूर विद्यमान है और ईश्वर शायद इस धरा पर आकर के इस ज्ञान मार्ग के माध्यम से इस दुनिया को स्वस्थ, खुशी और मनुष्य को शांति देने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हम सब का सौभाग्य है जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ से इन चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करके उसको अपने जीवन में प्राप्त करें, औरों के अंदर शेयर करने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि मनुष्य का धर्म है कि जो हम प्राप्त करें उसको शेयरिंग करें, केवल अपने पास भंडार के रूप में ना रख करके आगे उसकी शेयरिंग होनी चाहिए। और इसीलिए उसको शेयरिंग करने के लिए भी हम सब प्रयत्नशील होंगे। तो जो एक यहाँ से एक लाइट हाउस से जो लोग प्राप्त करते हैं उसको आगे शेयरिंग करने में हम सबका दायित्व तो बनता है। मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि एक बड़े प्रत्यक्ष उदाहरण देखता हूँ। कल परम श्रद्धेय दादी जानकी जी हमारे बीच में आई है। शायद लंबी उम्र जीने की बात तो बहुत लोग देश में होंगे जिन्होंने 100 साल पार किए हो लेकिन दादी जानकी जी को 103 साल की अवस्था में इस तरीके से सक्रिय होते हुए, काम करते हुए, संबोधन करते हुए, सबको मिलने जुलने की जो उनके मन में अभी भी इच्छा है और जितनी वो सक्रिय है ये अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ पर शांति, खुशी और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का साक्षात ये मंदिर है। यहाँ इस बात से बड़ा सबूत और क्या हो सकता है, न केवल दादी जी अपितु अनेकों लोगों के चेहरों से इस तरीके के भाव हम सबको देखने और सुनने को मिलते हैं, हम उनकी चर्चा भी करते हैं लेकिन दादी जी हमारे सामने इससे बड़ा उदाहरण मैं समझता हूँ हो नहीं सकता जो जो इस बात का परिचायक है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि हम सब इस विषय को, क्योंकि दुनिया में जितने प्रयास हुए जैसा मैंने कहा आज वहाँ से शांति, खुशी और हैप्पी स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, यहाँ ज़रूर इस ये संस्थान है जहाँ ईश्वर इस काम को करवा रहा है और दुनिया की जो ये कठिनाई और समस्या है इनको समझते हुए यहाँ से पूरे विश्व को वो संदेश जाए, इसकी बहुत जबरदस्त प्रयत्न हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को आपने चुना और इस विषय के ऊपर हम सबको सहभागी होने का, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने भी भ्राता सुरेश चंदेल जी के हृदय उद्गार सुने। अब हम चलते हैं